कानपुर में वाटसूला परमपुरवा इलाके में चारों ओर भीषण जलभराव की भीषण समस्या है, जिसके पीछे की वजह यहां सालों से हो रहे घोटाले को बताया जा रहा है, जिसके आरोप यहां के नाला ठेकेदार जलकल जेई और उसकी पैरवी करने वाले भाजपा नेताओं पर हैं। वाटसूला में परमपुरवा, जालपा नगर, मोहसना नगर, तोतापुरवा, नहरिया जैसे कई इलाके सीवर के गंदे पानी से सराबोर हैं। लोगों ने नगर निगम में शिकायतें की, जन सुनवाई में शिकायतें की, लेकिन आज तक कुछ भी अला भला नहीं हुआ। आलम तो यह है कि नाला ठेकेदार संतराम और जलकल जेई विनोद रावत की मिली भगत से जन सुनवाई के झूठे और शासन को गुमराह करने वाले जवाब दिए जाते हैं। यहाँ का जो पार्षद है राकेश पासवान जी, वो तो खैर आते हैं, देखते हैं इस गंदगी को और अपने अधिकारियों से कहते हैं कि ये मतलब जालपा नगर को आप जरा देखिए। तो यहाँ पे जो नाले के ठेकेदार हैं वो मांगते हैं रिश्वत, कहते हैं पैसा दो घूस तो यहाँ काम होगा। आखिर भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार तो बढ़ा है ना योगी बाबा के हैं। हमारे श्रीमान योगी, आदरणीय श्रीमान योगी जी तो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार वगैरह हैं नाला साहब के नगर निगम के, उनके कपड़ों में दाग है, उनके कपड़ों में दाग लगता है और वो रिश्वत और घूसखोरी करते हैं और ये गंदगी के लिए ध्यान ही नहीं देते हैं। जहाँ से बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतनी गंदगी है, मच्छर पैदा होते हैं, दुनिया की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, डायरिया हो रही, और ये गरीब बस्ती है, यहाँ पे अगर गरीब बस्तियों में सुनवाई नहीं होती है तो आखिर में गरीब बच्चे कहाँ से इतना महंगा इलाज करा पाएंगे है? आज के समय एक डॉक्टर की फीस 500 रुपये होती है और मैं 400 का मजदूर हूँ और 500 रुपये उसको मैं 100 रुपये और कहाँ से ला के दूँ जो अपने बच्चों का इलाज कराऊँ। आखिर मैं श्रीमान योगी जी से कहना चाहता हूँ कि परमपुरवा जूही क्षेत्र मोशना नगर से मैं बोल रहा हूँ मिस्टर जितेंद्र कुमार, कि आखिर अपने जो कि यहाँ के पार्षद जी बिल्कुल ठीक है और पार्षद जी की कोई गलती नहीं है और यहाँ के जो ठेकेदार नालों के हैं उनके कान में बिल्कुल लुई भरी है, सुनते ही नहीं है, आएंगे तो उल्टा सीधा काम करेंगे। क्यों उन्हें रिश्वत चाहिए, घूस चाहिए, वो अपने पास है नहीं। क्यों, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सिर्फ सरकार से अपील कर सकता हूँ और उसके सिवा सरकार सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो मैं अपना दुख किसको बताऊँ। और वाटसूला में सीवर लाइन की सफाई करने का ठेका संतराम के पास है, लेकिन ठेकेदार साहब उन्हीं कामों पर ध्यान देते हैं जिनमें मोटा माल पैदा हो रहा हो। आरोप है कि जेई विनोद रावत की मिली भगत से कागजों में नाले साफ हो जाते हैं और इसके एवज में मिलने वाली रकम ठेकेदार संतराम, जेई विनोद रावत और कुछ भाजपा नेता जो इनकी पैरवी में लगे रहते हैं उनके द्वारा हजम कर ली जाती है। यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या ये है, नाला पानी बह रहा है, सब बंदा भरा हुआ है, नाले भारी पानी भरा हुआ है, रोडों पर पानी भरा हुआ है, कुछ कुछ घरों के अंदर घुसा हुआ है पानी। और हमारे लड़की की तबीयत खराब हो गई थी, डरिया हो गया, डरिया फैल रही है, हम मलेरिया मच्छर रहे हैं। अब क्या सवा साथ आते ना वहाँ पे? सवा साथ कभी कदार आ गए तो आ गए, नहीं महीनों की फुर्सत झाँकने तक नहीं आते। अब आज जुमे का दिन है, देखिए नलकूपों में कितना पानी भरा है, कैसे नमाजी निकलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे नमाज पढ़ने जाएगा। ठेकेदार संतराम पर इलाकाई लोगों से बहुत ही रौब और बदतमीजी से बात करने के आरोप हैं। इलाकाई लोग बताते हैं कि जब भी संतराम को सीवर की समस्या के लिए फ़ोन किया जाता है तो वो बहुत ही रौब में बात करते हैं, कहते हैं करा देंगे, ज़्यादा कुछ कहने पर बोलते हैं नहीं करा पाएंगे, जो करते बने कर लेना मेरा, भाजपा विधायक पार्षद और नगर निगम के अफसर मेरी जेब में हैं, इसी बात का तो हम उन्हें कमीशन देते हैं। जलकल जेई विनोद रावत का तो आज तक इलाकाई लोगों ने चेहरा तक ही नहीं देखा, यहाँ तक उनसे फ़ोन पर शिकायत करने वालों ने उनकी आवाज़ तक ही नहीं सुनी। उन्हें फ़ोन करने वाले लोग बताते हैं कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते। गंदगी रहेगी तो हम लोग कैसे पूजा पाठ करें, इतनी बदबू आती है। नवरात चल रहा है, ये रामनवमी है, ये दशहरे का मेला है और गंदगी देखिए आप, कहाँ कहाँ से मंदिर की साफ सफाई करें हम, कितनी कर सके हैं।
जब बाहर चैम्बर बह रहा है और इस तरीके से गंदगी फैली है तो रही है। अब ये देखिए कि आगे सारी सीवर लाइनें पड़ रही हैं, आखिर जालपा देवी की तरफ मोशना नगर की तरफ क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, आखिर कब होगी इसे? हाँ परेशान है इसका। हाँ उकार वो लेके चलते हैं, हम गिर जाते हैं। ये पानी भरा है, इतनी कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं, निकल नहीं पाते, निकल नहीं पाते, सारा दिन पड़े रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, पड़े रहते हैं। नाला साफ करवाइए, तीन दिन से लेटरिन हो रहा है। नाली में चला जाता है। आज हफ्तों से उनके लैट्रिन आ रही है, इतना परेशान है वो, गंदगी मच्छर गंदगी है। चलो एक दिन वो मशीन को खोल रहे, उसके बाद लेके घर गया, सफाई हो मावे। दिक्कत ये देखिए, आप लोग मंदिर बना है आए और किस तरीके से नाले बह रहे हैं, कितनी बीमारियां हो रही हैं यहाँ पे, ये किसी को चिंता है? जूही परमपुरवा क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ, मोशना नगर जालपा इंटर कॉलेज के बगल से, जो पोजीशन है यहाँ के नालाओं की कि आप ये देखिए, और ये मंदिर है देखिए आए, उसके बाद ये देखिए मंदिर के पास, उसके बाद देखिए मंदिर के पास किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, पानी भरा है, और ये देखिए इधर आइए सामने आइए कि ये देखिए चैम्बर कैसे बह रहा है, उसके आगे देखिए हम इधर खड़े हैं, चैम्बर देखिए कैसे बह रहा है, और हमारे महेश त्रिवेदी विधायक जी जो किदवई नगर विधानसभा से हैं फिर भी इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि क्या मोहल्ले की पोजीशन, किस तरीके की गंदगी फैली है यहाँ पे, ये गंदगी से कितनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं, रोज आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं रोज़ जा रहा हूँ दवा इलाज के लिए, छः बच्चे हैं मेरे, छः के छः बीमार रहते हैं, इतनी मेरे दरवाजे के सामने गंदगी है। वारसूला में पड़ रही और पड़ चुकी नई सीवर लाइनों में घोटाले के आरोप हैं, ये आरोप भी ठेकेदार संत राम जेई विनोद रावत और कुछ भाजपा नेताओं पर हैं, आरोप है इन कामों में जमकर कमीशनबाजी हुई है, ठेकेदार से कमीशन लेने के आरोप जेई विनोद कुछ भाजपा नेता और कुछ अधिकारियों पर हैं। पिछले महीने श्री रतन शुक्ल नगर निगम इंटर कॉलेज के पास नई सीवर लाइन डालने का काम शुरू हुआ, बताया जा रहा है कि इसमें भी कमीशनखोरी चल रही है, इसी महीने सीताराम धाम के पास और नहरिया पर सतवती स्कूल के पास नई सीवर लाइन डालने के काम का उद्घाटन हुआ, इसमें भी कमीशनखोरी के आरोप हैं। परमपुरवा में सुलभ शौचालय के पास करीब 30 मीटर नई सीवर लाइन डालने का उद्घाटन इसी महीने खुद भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने किया था, लेकिन आज तक काम ही नहीं शुरू हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहां का काम कागजों पर हो रहा है, आरोप है कि ठेकेदार संतराम जेई विनोद रावत और कुछ भाजपा नेताओं द्वारा यहां पर कागजों में ही सीवर लाइन डालकर उसकी पूरी रकम हड़प कर जाने की योजना है। कुल मिलाकर इन घोटालों, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, सारे त्यौहार यहाँ लोगों को सीवर के गंदे पानी में ही रहकर ही मनाना मजबूरी हो चला है, फिर चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, नवरात्र में इसी गंदे पानी से होकर मंदिर जाना अब यहाँ के लोगों की किस्मत है। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।